वक्त हम मौजूद हैं वली तंगी, एक डैम है जो कि आर्मी के जरिए कंट्रोल है। उस वक्त हम बिल्कुल आखिरी ये हिस्सा है, उसके बाद आगे पहाड़ों में से जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ पे है, और यहाँ से आपको शायद वो जगह भी झरना ना नजर आ सके जहाँ से पानी आ रहा है, लेकिन ये डैम जो है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ जो कि आगे तीन जगह पे पानी जो है वो पहुंचाता है। ये वो जो ब्रिज आपको नजर आ रहा है, इस ब्रिज के जरिए वो कंट्रोल हो रहा है और उसके नीचे से पानी आगे जा रहा है, और आगे जो झरने की शक्ल में आगे उसकी शक्ल में चश्मे की शक्ल में पानी आगे जा रहा है और तीन जगह को सैराब करता है। एक तो वो आर्मी का कैंट जो है क्वेटा का, उसको वो पानी पहुंचाता है। वो तकरीबन हम इस वक्त 60 से 65 किलोमीटर क्वेटा से दूर यहाँ पर मौजूद हैं, और ये आपको मैं मनाजर दिखा रहा हूँ। ये शायद बलूचिस्तान के लोग भी इस जगह पर ना आए हों। ये जगह जो है ये आर्मी के जरिए कंट्रोल है और बहुत ही कह सकते हैं कि आप बड़ा पॉइंट है एक तरह से, उसका पानी के हवाले से, खूबसूरती के हवाले से। यहाँ पे सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे जैसे अभी ये शाम हो रही है इसी तरह ये सर्दी बढ़ती जाएगी। और ये जो मनाजर हैं, ये पहाड़ आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कट के बनाए गए हैं। और इसकी जो बुलंदी, जो ये नीचे पानी का जो गहराई है वो 60 फुट बताई गई है, जबकि इस वक्त 45 फुट यहाँ पर पानी मौजूद है। और यहाँ पर जो पानी है, डैम जो है, इस डैम को वली तिंगी बोलते हैं शायद, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो, जो मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था शायद मैं भूल गया हूँ, वली तिंगी इस डैम को कहते हैं। और इस डैम से पानी जो है तीन जगह पे, एक तो क्वेटा के इससे पहले जो जगह आती है हना उड़क वहाँ पे, और उसके बाद हना झील को, और उसके बाद आगे क्वेटा कैंट में पानी जाता है, और वहाँ पे जाकर पानी जो पीने का इस्तेमाल होता है वो यही पानी है, जबकि पानी सैराब करने के लिए फसलों को वो भी यही पानी है। और इसके जो तीसरा इस्तेमाल है वो शहर के कुछ एरियाज़ को भी ये पानी दे रहे हैं। तो ये पानी जो है यहाँ पर पहले बदमनी थी, उसके बाद आर्मी ने कंट्रोल लिया, और अब माशाल्लाह बहुत अच्छा और बड़ा सेहत अफजा मकाम भी है और बड़ा खूबसूरत मकाम भी है। या मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि ये जो एरिया है, ये जो जगह है, इस जगह पर सिविलियन कम ही यहाँ पर आ सकते हैं। और ये डैम जो है, ये एक दफ़ा फिर बताता हूँ, ये जो पुल है यही इसके अंदर कंट्रोल है, और ये पानी सारा उधर जा रहा है और ये सारा सैराब कर रहा है। जी।